नमस्कार आप देख रहे न्यूज मैं हूं आपके साथ ऋतिक दुनिया जहां एक और कोरोना वायरस के वैक्सीन के आने का स्वागत करने में लगी है तो वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने कोरोना वायरस के एक नए रूप ने ब्रिटेन में जो है तबाही का आलम फिर से मचाना शुरू कर दिया है यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना का नया वायरस है वो मौजूदा वायरस से भी ज्यादा घातक है सबसे खतरनाक वायरस है और इसको लेकर इसका असर जो है यूके में यानी कि ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के फ्लाइट पर इसका असर पड़ा है और हिंदुस्तान आने वाले यूके की तमाम फ्लाइट्स को आज रात यानी कि 21 दिसंबर की रात ग्यारह बज के मिनट के बाद से 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है यानी कि यूके से अब हिंदुस्तान 31 दिसंबर तक के लिए कोई भी फ्लाइट जो है वो ब्रिटेन से नहीं आएगी इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार से यूके से आ रही हिंदुस्तान आ रही फ्लाइट को बंद करने की मांग की थी क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है ब्रिटेन में देखा जा रहा है ब्रिटेन में ये सामने निकल निकलकर आया और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह नया जो वायरस है यह मौजूदा वायरस यानी कि मौजूदा कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है यह कोरोना का ही रूप है और इससे भी ज्यादा खतरनाक यह वायरस है और इस वायरस के फैलने को रोकने को लेकर अब भारत सरकार ने जो है वो भी जो यूके से आ रही जो फ्लाइट है जो हिंदुस्तान आ रही फ्लाइट है उसको 31 दिसंबर तक के लिए आज रात ग्यारह बजकर उनसठ मिनट से बंद कर दिया है और रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव भी आ रहा है उनको भी सात दिन के लिए होम आइसोलेशन पे रखना होगा यानी कि होम आइसोलेशन पे वो भी रहेंगे जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट जो है को, अगर कोविड नेगेटिव भी अगर हुआ है कोरोना नेगेटिव भी है तब भी उन्हें सात दिनों के लिए होम आइसोलेशन में कंप्लीटली पूरे तरीके से पूर्ण तरीके से उनको बंद रहना होगा और होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा सात दिनों के लिए यानी कि इस पर जो है अब जो मांग उठाई थी मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी उस पर अब जो है केंद्र सरकार ने भी जो है अब इस पर अपनी गंभीरता दिखाते हुए इस पर कदम उठा लिया है बड़ा फैसला ले लिया है और अब यूके से हिंदुस्तान आ रही 31 दिसंबर तक के लिए तमाम फ्लाइट्स को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है यानी कि इस मौजूदा वायरस से भी खतरनाक है कोरोना का यह नया वायरस कोरोना का यह नया स्ट्रेन तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत देखते रहिए नेशन न्यूज धन्यवाद